क्यों आज क्यों भाई अरे आर इस पर ठीक क्या लिखेंगे के क्यों क्यों टू भाई आर इस पर क्या जॉब की वैल्यू आपको पता है क्या जॉब की वैल्यू क्या है 0.108 के की वैल्यू 9 गुणे 10 घटे 9 क्यू टू भाई आर की वैल्यू 0.5 का होल स्क्वायर 0.5 का होल स्क्वायर बहुत ही कॉन्सेप्चुअल इक्वेशन है जी, ध्यान से समझना नहीं आएगा बिल्कुल। अब इसको सॉल्व करते हैं 0.108 9 गुणे 10 घटे 9 Q1 Q2 भाई इसको ओपन कर लो तो ये हो जाएगा 25 उल्टे 10 घटे माइनस 2 सही लिखे हैं यस। अब बताओ इसको इधर सॉल्व कर सकते हो इधर गुणा करा दो तो जब इधर गुणा कराएंगे तो 0.108 गुणे 25 उल्टे 10 घटे माइनस 2 बराबर कितना लिखोगे 9 उल्टे 10 घटे 9 सॉरी इसको भी डिवाइड में ले आओ 9 बढ़ते 10 घटे 9 बराबर कितना मिलेगा आपको Q1 into K2। अब इसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 10 घटे 9 है इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 घटे माइनस हो जाएगा 9 10 घटे माइनस 11 और 9 से कटेगा देखिए 9 एक 9 9 दूनी 18 देखो इसको अरेंज और अच्छे से कर लेते हैं इसको लिख लेते हैं 108 गुणे 10 घटे माइनस 3 बोलो समझदारी है गुणे 10 घटे माइनस 2 गुणे 25 बटे 9 गुणे 10 घटे 9 बराबर Q1 इंटू Q2 देखिए 9 से काटेंगे कितनी बार में जाएगा ये 9 एकम 9 9 दो 18 9 दो 18 अब देखिए सॉल्व कर लेते हैं तो Q1 Q2 की वैल्यू देखिए क्या मिल जाएगी तो Q1 into Q2 बराबर 12 गुणे 25 यानी 12 गुणे 25 गुणे देखिए यहाँ पर 10 घटे माइनस 3 10 घटे माइनस 5 है 10 घटे और माइनस 3 गुणे 10 घटे माइनस 2 क्या देगा 10 घटे माइनस 5 और ये 10 घटे 9 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 घटे माइनस 14 10 घटे माइनस 14 और कुछ बचा हुआ है नहीं। अब इसको गुणा करा लो तो Q1 इंटू Q2 बराबर बताइए कितना आ जाएगा 12 5 60 के 0 12 2 9 24 24 6 300 ठीक गुणते 10 घटे माइनस इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 10 की पावर माइनस 12 कम हो जाएगा ना। तो ये बना लेते हैं समीकरण नंबर 1 इसे क्या बना लेंगे समीकरण नंबर 1। अब देखिए ये तो पहला कंडीशन हमने जब दूरी कितनी थी 0.5 मीटर की दूरी थी तब ऐसा हुआ। अब देखिए क्वेश्चन में आगे बोल रहा है कि जब उन्हें आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी दूरी पर रख दिया जाता है मतलब जब दोनों आवेशों को क्या कर दिया जाता है संपर्कित कर दिया जाता है संपर्क में कर दिया जाता है और संपर्क में करके पुनः फिर उतनी दूरी पर रख दिया जा रहा है तब बल क्या हो जाता है बदल जाता है बल कितना हो जाता है फिर 0.144 हो जाता है। तो पुनः हम लोग क्या करेंगे जब दोनों गोलों को परस्पर संपर्क में लाया जाता है ठीक है। जब दोनों गोलों को आपस में संपर्क में लाएंगे तो क्या लिखेंगे फिर तो ऐसे कंडीशन में आप जानते हैं कि दोनों पर आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी समान बोलो होगी कि नहीं होगी यदि दोनों गोलों को परस्पर संपर्क में लाएंगे तो Q1 इस पर है और Q2 इस पर है तो आवेश की मात्रा दोनों पर क्या हो जाएगी बराबर। तो ऐसे कंडीशन में हमारा आवेश समान हो जाएगा तो आवेश समान यदि होगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं Q1 बराबर Q2 बराबर आपको हमने बताया था Q1 प्लस Q2 बाय 2 कर देते yes। अब दोनों को क्या कर देंगे ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो बताइए अब हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं। अब पुनः बोला गया है कि फिर उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है तो जब डैश बराबर फाइंड कर लेते हैं बल देखो जब डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी के
Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। जब डैश देखो 0.144 दिया हुआ है, तो इससे लिख लेते 0.144 बराबर के 9 × 10 = 9। Q1 की वैल्यू रखेंगे कितना, Q1 + Q2 / 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बहुत ही कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि Q1 बराबर भी यही है, Q2 बराबर भी यही है। बहुत समझदार बच्चे हैं। R की वैल्यू देखिए कितनी है, R की वैल्यू यहाँ से रख दो 0.5। अजीत भैया कुछ बोलिए। 0.5 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। इसको ओपन करके इधर लाओ, 0.144 गुणते 5 गुणते 10 सॉरी 25 हो जाएगा। 25 बराबर कितना लिखेंगे, 9 × 10 = 9 Q1 + Q2 / 2 का होल स्क्वायर। देखिए तो Q1 + Q2 / 2 का होल स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, इधर सॉल्व करो, 144 इसको बना लो और ये 25 हो जाएगा गुणत्ते। देखो 144 कर लोगे तो 10 × 3 आ जाएगा ना, लिख देते हैं, कुछ बच्चे शिकायत करते हैं, 10 × 2 डिवाइड बाई क्या करेंगे 9 × 10⁻¹। मैं तो फटाफट से आंसर लिखते हैं एक के बाद में, Q1 + Q2 / 2 का होल स्क्वायर। चलो सॉल्व करते हैं। अब देखो कटेगा ये भाग तो रहा है, काटो 9 × 9 = 16 बार में 16 × 25 गुणे 10⁻¹⁵ ये ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 14। फिर वही रास्ता मिल गया, Q1 + Q2 / 2 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर 16 को मल्टीप्लाई करा दिया, 16 × 5 = 80, 16 × 32 = 32 40 × 10 = −14। इससे क्या लिख सकते हैं, 4 × 10⁻¹⁰ तो बताओ Q1 + Q2 / 2 बराबर कितना मिलेगा, 2 × 10⁻¹⁶। तो Q1 + Q2 बराबर बताइए कितना हो जाएगा, 4 × 10⁻¹⁶। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए Q1 + Q2 की वैल्यू मिल गई, क्या मिल गया आपको, Q1 + Q2 की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या निकालेंगे, Q1 - Q2 बराबर, आप मैथ पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा Q1 - Q2 का होल स्क्वायर बराबर इसे लिखा जा सकता है Q1 + Q2 का होल स्क्वायर -4 Q1 × Q2 ये लिखा जाता है। चलिए तो बताओ Q1 + Q2 का होल स्क्वायर बराबर कितना लिखेंगे हम लोग, क्योंकि 4 × 10⁻¹⁶ है, यहाँ पर रख दो 4 × 10⁻¹⁶ का होल स्क्वायर। Q1 + Q2 वैल्यू है ना दिया, तो यहाँ पर ये वैल्यू रख देंगे होल स्क्वायर -4 × Q1 × Q2 की वैल्यू। देखिए यहाँ से समीकरण एक से Q1 × Q2 की वैल्यू रखी जा सकती है, रख दो 3 × 10⁻¹⁰ कितना है -12। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, देखो 4 × 16 = −12 यहाँ पर करेंगे −12 × 10⁻¹⁰ बोलो कितना है, 12 कम कर दो 4 × 10⁻¹⁰ −12 सही लिखे हैं। तो Q1 - Q2 बराबर ये आपको मिल गया, तो बताइए Q1 - Q2 बराबर कितना मिलेगा, वर्गमूल ले लो तो 2 × 10⁻¹⁶। रिलेशन नंबर 3 हो गया, यहाँ तक नोट करिए, पहले यहाँ तक उतार लीजिए। देखिए हमें Q1 + Q2 बराबर क्या दिया मिला था, Q1 + Q2 की वैल्यू मिल गई थी हमें 2 × 10⁻¹⁶। ठीक, ये समीकरण नंबर 3 था, और Q1 - Q2 की वैल्यू है, और Q1 + Q2 की वैल्यू देखो कितनी मिली थी, 4 × 10⁻¹⁶। ये समीकरण नंबर क्या बनाया था हमने, 2। अब क्या करोगे, समीकरण 2 और 3 को जोड़ दोगे, मैं तो पढ़ा ही हुआ आपने, और समीकरण 2 और 3 को क्या करेंगे, समीकरण 2 + समीकरण क्या कर दीजिए 3 से, बोलो Q1 इसको ऐड करेंगे तो कितना देगा, ये Q2 से Q2 कट जाएगा, तो 2 Q1 बराबर मिलेगा, 4 × 2 = 6 × 10⁻¹⁰
चेक, तो क्यू1 बराबर कितना होगा, 3 × 10⁻⁶ कूलाम। इतना कर सकते हैं ना हम लोग, मैथ नहीं पढ़ रहे इसीलिए डायरेक्ट जोड़ दिए। ठीक, अब बताओ क्यू1 की वैल्यू मिलेगी, क्यू2 की वैल्यू निकाल सकते हो। तो बताइए इसी प्रकार क्यू2 बराबर बताइए कितना होगा, क्यू2 बराबर फाइंड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, माइनस कर दो। ठीक, माइनस करेंगे तो हमें क्यू2 बराबर क्या मिल जाएगा, कितना मिलेगा, इसको माइनस कर, समीकरण यहां पर लिख देते हैं, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से, तो समीकरण 2 माइनस 1 करेंगे तो क्या मिलेगा, ये कटेगा तो माइनस क्यू1 कट जाएगा, यानी 2Q2 बराबर कितना, 4 में से 2 जाएगा, 2 बढ़ते 10 घटे माइनस 6, तो बताइए Q2 बराबर कितना होगा, 2 से 2 काट दो, 1 बढ़ते 10 घटे माइनस 6 मात्रक कूलाम। देखो हो गया, तो आपको Q1 की वैल्यू कितनी मिलेगी, 3 × 10⁻⁶ कूलाम, और Q2 वैल्यू कितनी मिलेगी, 1 × 10⁻⁶ कूलाम, ये दोनों आंसर हो जाएंगे, नोट कर लीजिए, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।